हे दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन सड्डा में। जैसा कि आज की न्यूज़ है, 2 अगस्त 2023 की, उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती के लिए होगा एक आयोग। इसमें मुख्यमंत्री योगी जी कुछ सूचना दे रहे हैं, तो चलिए पढ़ के देखते हैं क्या है सूचना। राज्य मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग कहा जाएगा। इसमें अध्यक्ष के साथ ही 12 सदस्य होंगे। आयोग का कार्यालय प्रयागराज में होगा। राज्य सरकार के इस फैसले से शिक्षकों की नियुक्ति में आने वाली कई विसंगतियां दूर होंगी और समय से भर्ती की जा सकेंगी। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों की रुकी हुई भर्तियों का रास्ता साफ होगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जरिए भर्ती होती थी। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और व्यावसायिक शिक्षा विभाग अनुदेशकों की भर्ती कराता था। अब यह सभी भर्तियां एक ही आयोग के जरिए होंगी। साथ ही सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी भर्तियों का चयन यह आयोग ही करेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होने वाली राजकीय माध्यमिक और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती भी इसी आयोग से होगी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक होगा। अध्यक्ष व सदस्य के पद पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक नहीं कार्य कर सकेगा। उन्होंने बताया कि प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, संस्कृत स्कूलों व मदरसों में शिक्षकों की भर्ती पूर्ववत रहेगी। उत्तर प्रदेश सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती पारदर्शी ढंग से और कम समय में ही हो सकेगी। सभी भर्तियां एक ही जगह से होने से वार्षिक कैलेंडर भी जारी किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को विधानमंडल के मानसून सत्र में पारित कराने का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उच्चतर शिक्षा आयोग अधिनियम 1980 और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1982 निष्प्रभावी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। अभी तक यह प्रबंध तंत्र खुद शिक्षकों की भर्ती करता था। बीते वर्षों में चयन प्रक्रिया को लेकर काफ़ी विवाद भी सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, देखा कि आपने उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग होगा। और भी जानकारी इसमें मुख्यमंत्री जी देते हुए, जैसे कि प्रयागराज में होगा आयोग का कार्यालय, अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य होंगे इसमें, 3 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु तक होगा सदस्यों का कार्यकाल। इसमें जितने भी सदस्य रहेंगे उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें फिक्स कर दी गई है कि 65 वर्ष ही रहेगी। सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी अध्यापकों का चयन करेगा आयोग। यानी कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में भी
यह आयोग अध्यापकों का चयन करेगा और प्रयागराज में इसके कार्यालय होंगे और अध्यक्ष के अलावा 12 सदस्य और होंगे। ये दिया गया है विरासत पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित किए जाएंगे 9 धरोहर। राज्य सरकार ने प्रदेश के 9 धरोहर भवनों को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर विरासत पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। इन धरोहर भवनों को निजी क्षेत्र को 90 साल की लीज पर दिया जाएगा। 90 साल की लीज पर दिया जाएगा। इन नौ धरोहरों में लखनऊ की छत्र मंजिल 9.88 एकड़, कोठी एक गुलिस्ता इरम 1.35 एकड़, कोठी दर्शन विलास 1.35 एकड़ व कोठी रोशन नुदौला 1.7 एकड़। मिर्ज़ापुर का चुनार किला 21.64 एकड़, झांसी का बरुआ सागर किला 7.39 एकड़, मथुरा का बनारस जल महल 1 एकड़, कानपुर का शुक्ला तालाब 6.9 एकड़ और बिठूर स्थित टिकैत राय बरादरी 0.217 एकड़ शामिल हैं।